हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम जा रहे हैं बिशेश्वर, जो कि एक शिव टेंपल है और उसके पास एक हिल है जिसको हम सिकड़ी हिल्स बोलते हैं। तो ये जगह के साथ मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर हूँ। ये जगह अनएक्सप्लोर्ड जगह है, लेकिन यार मेरे लिए तो काफ़ी एक्सप्लोर्ड है, क्योंकि मैं बचपन से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मामा जी का जो घर है वो यहीं पास में है। तो चलो चलते हैं आगे, आपको वीडियो दिखाते हैं और क्या है वहाँ पे वो भी दिखाते हैं। तो अच्छी जगह है यार, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं बचपन से वहाँ जा रहा हूँ। तो चलते हैं आगे और आपको वीडियो दिखाते हैं, चलो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं बिशेश्वर, जो कि आता है उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड जगह है, जो कि ये जगह को नहीं जानते उनके लिए। मैं तो बहुत सालों से ये जगह को जानता हूँ। तो मैं बेसिकली जा रहा हूँ नीलगिरी से। तो आप देख सकते हो यहाँ से हम लोग जाएंगे राइट की तरफ। तो गूगल मैप का लोकेशन मैं आपको दे दूँगा, अगर आप कहीं से भी आ रहे हो तो उसको फॉलो करके ज़रूर जाओ। रोड के कंडीशन आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे और लगभग बालेश्वर के मेन टाउन से आपको लगेगा 35 किलोमीटर्स। तो जगह काफ़ी सही है और अनएक्सप्लोर जगह है। और ये देखो, ये है पंचलिंगेश्वर छत, और यह इसको क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा सीधा, और आपको बेसिकली यही रास्ते में कंटिन्यू करना पड़ेगा लगभग 10 किलोमीटर और। तो उसके बाद आपको मिल जाएगा विश्वेश्वर रोड, जो कि एक गांव के अंदर है। तो बेसिकली ये जगह बहुत अच्छी जगह है नेचर लवर्स के लिए, तो दे कैन डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। और अगर आपको पीसफुल जगह पसंद है तो डेफिनेटली ये जगह पे आप लोग जाओ। तो अभी देखो, मैं थोड़ी ही देर में बिशेश्वर टेंपल पहुंच जाऊंगा। तो वहाँ पर एक शिव टेंपल है, जो कि मान्यता है लगभग बहुत पुराना टेंपल है, वहाँ 50 से 60 साल तो हो ही गया है टेंपल को। तो यार काफ़ी सही है, और उसका जो एम्बियंस है जगह का आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और एक चीज़, थैंक यू वेरी मच फॉर 1K सब्सक्राइबर गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है मेरे वीडियोस से। तो आप वीडियोस देखते रहो, एंजॉय करते रहो, और कैसा कंटेंट मैं आप बना सकता हूँ वो बिल्कुल आप कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हो। तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ बिशेश्वर की तरफ, और ये देखो यहाँ हम पहुँचने वाले हैं। ये संतरागढ़िया का जो मार्केट है वहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ से थोड़े ही आगे जाके हम लोग लेंगे राइट टर्न बिशेश्वर जाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग लेंगे राइट, और ये बिल्कुल गांव का रास्ता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बिशेश्वर 700 मीटर्स। तो यहाँ से बिल्कुल ही पास है जगह, यहाँ से लगभग 700 मीटर से 1 किलोमीटर होगा। तो बिल्कुल ही गांव का रोड है, तो आप देख के थोड़ा गाड़ी चलाओ, और बाइक्स कार्स सभी व्हीकल्स यहाँ पे आराम से जा सकती है, कोई इशूज़ नहीं है उसमें। और ये देखो, हम लोग अभी बिशेश्वर पहुँच रहे हैं, और ये जो पहाड़ी है इसको हम बोलते हैं सिकड़ी हिल्स। और इसके साइड में दो टेंपल्स हैं, एक है बिशेश्वर शिव टेंपल और है एक माता पार्वती का टेंपल। तो आगे चलते हैं और जगह एक्सप्लोर करते हैं, स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। सो गाइज, आई हैव रीच्ड बिशेश्वर टेंपल। ये देखो, ये पीछे जो टेंपल है ये बिशेश्वर टेंपल है। तो मेरे लिए काफ़ी फेमिलियर जगह है, लेकिन मैक्स लोग ये जगह के बारे में नहीं जानते हैं। और यार काफ़ी पीसफुल जगह है, अगर आप अपना वीकेंड स्पेंड करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो। और बाकी ये देखो, यहाँ पे पीछे पहाड़ियाँ हैं और मैं पहाड़ के ऊपर ही हूँ। मैं अभी इस साइड में जो पहाड़ी एक्सप्लोर करते हैं क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कोई मठ भी बना है, जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, धार्मिक अनुष्ठान यहाँ भी एक है। तो यहाँ भी, वहाँ भी आप जा सकते हो, हालांकि मैं तो वहाँ जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, देखते हैं क्या होता है। और काफ़ी सही है यार, ये देखो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर ये जगह है। और अभी जगह पे मतलब 5-7 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऊपर चलते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं और ये जगह पे क्या है वो दिखाते हैं। तो गाइस, ये है, आप देख सकते हो, ये है बिशेश्वर टेंपल, और यहाँ मैं बैठा हुआ था।
और ये है इस तरफ पहाड़ी के ऊपर जाने का रास्ता। चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है। और ये देखो यहाँ से ये जो नज़ारा है ना यार, काफ़ी सही है। ऊपर और ऊपर जाएंगे फिर देखते हैं। और लोग यहाँ पे आते हैं ऐसे नाम लिख के जाते हैं, जो कि गलत चीज़ है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। और ये देखो ऐसे व्यू आ रहा है यहाँ से, ऊपर चलता हूँ मैं ये जगह पे लगभग भाई 100 बार से ऊपर आ चुका हूँ। तो ये काफ़ी सही जगह है, अगर आपको ऐसे पीसफुल जगहों पे आना पसंद है तो आप आ सकते हो। और यहाँ पिकनिक वगैरह भी आप मना सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। बट एक कंडीशन यह है कि आप नेचर को बर्बाद मत करो, जगह को सही रखो और गंदगी ना फैलाओ। ये देखो काफ़ी सही नज़ारे मिल रहे हैं यार। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप शाम के टाइम यहाँ पे आओ। और ये देखो क्या सही है, नहीं ये रास्ते से आप आ सकते हो विश्वेश्वर में। और ये रहा टेंपल यहाँ पे, तो सही है, यहाँ से बहुत दूर दूर तक दिखता है यार। मैं ऊपर जा रहा हूँ, सही है। तो गाइज अभी मैं हूँ ये जो ये हिल का नाम है सिकड़ी हिल्स, तो मैं अभी हूँ सिकड़ी हिल्स के ऊपर। और ये देख सकते हो यार आप, और भी ऊपर आप जा सकते हो, मैं जाऊँगा और भी ऊपर। और काफ़ी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको पीसफुल जगह पसंद है और पीसफुल जगह पे आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस, काफ़ी अच्छी है। तो आप ऐसा देखो, ये व्यू है, सही है नहीं, काफ़ी सही है यार। और यहाँ से ना पूरा बहुत दूर दूर तक दिखता है। और अगर आप समर सीज़न हो, विंटर सीज़न हो, आप अगर शाम के टाइम या फिर बिल्कुल सुबह सुबह यहाँ पे आओगे तो इट विल बी ग्रेट, इट विल बी ए ट्रीट यार। बहुत सही सनसेट यहाँ से देखने को मिलता है, तो यहाँ से एक सनसेट पॉइंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो उसको, मुझे पता है वो जगह। तो वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू आता है। तो चलो लेट्स गो। तो यह है विश्वेश्वर टेम्पल, और जो मैं सनसेट पॉइंट की बात कर रहा था, तो यहाँ से आपको रास्ता मिलेगा वहाँ जाने के लिए। और यहाँ पहले एक बाबा रहते थे, तो अभी तो मतलब वैसे वो नहीं है, अभी उनकी डेथ हो गई है। तो आगे चलते हैं, ये देखो ये पुराना वाला घर है, तो जहाँ पे एक बाबा रहते थे। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे एक छोटा मंदिर जैसा है। सो इट इज यहाँ पे, ये देखो ये वाले जगह ना सबको नहीं पता है, इनको पता है पता है, इनको नहीं पता है अलग बात है। और ये देखो गर्मी हो रही है, मेरी हालत ख़राब हो रही है पहाड़ चढ़ने में। ये देखो यहाँ से ये व्यू आ रहा है, तो सही है, ऊपर चलता हूँ मैं। बाप रे बाप। तो ये देखो ये हो गया हमारा सनसेट पॉइंट, और यहाँ देखो सनसेट तो हो चुका है। और भाई मेरी सांस फूल रही है, और देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है यार। ये देखो बेसिकली यहाँ बैठते हैं हम लोग, मैं और मेरा भाई जब आते हैं। तो ये देखो ये व्यू कुछ आ रहा है, काफ़ी सही है। तो यू कैन डेफिनेटली विजिट, मेरी सांस फूल रही है यार। ये देखो कुछ ऐसा व्यू आता है यहाँ से, सही है। तो गाइस ये देखो ये है सनसेट पॉइंट जिसको मैं बोल रहा था, और सही है यार, आप आ सकते हो यहाँ पे, काफ़ी सही लग रहा है। ये देखो इतने खूबसूरत पेड़ पहाड़ियों के बीच, जिसको नेचर से भरी हुई जगह पसंद है
दे कैन डेफिनेटली विजिट। तो अच्छा लगा एक्सपीरियंस यहाँ का, बहुत दिन बाद मैं आया, लगभग एक साल हो गया है मैं नहीं आया था। तो इट्स बीन अ गुड प्लेस, आप ज़रूर विजिट कर सकते हो। तो बाकी एक पिकनिक स्पॉट है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ आगे, चलो उसकी तरफ चलते हैं। तो ये जो यहाँ पे सनसेट पॉइंट है, यहाँ से थोड़े ही दूर ये आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे लोग जनरली पिकनिक मनाते हैं, और भाई उसका नतीजा आप देख सकते हो कितना। यहाँ ये देखो छाव है यहाँ पे, वहाँ पे पिकनिक के लिए आग भी जलाई गई थी, तो आप देख सकते हो, और पिकनिक मनाने का नतीजा भी आप देखो कितना सारा वेस्ट पड़ा हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट टू पीपल जो भी यहाँ पे आ रहे हो, कुछ भी, ये देखो ये बोतल गिरी हुई है, तो जो भी यहाँ पे आ रहा है जगह को नीट एंड क्लीन रखे भाई, क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत जगह है, सो वी शुड मस्ट प्रिजर्व दिस प्लेस। तो बस और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे देखने के लिए, तो आगे मैं अभी चलता हूँ टेंपल की तरफ, कुछ शॉर्ट्स लेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो और एक चीज़ मैं भूल गया था, जो मठ है वहाँ पे जाने के लिए ये जो रास्ता है यहाँ से, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आप जा सकते हो। तो ये मंदिर से पास ही है, ये देखो यहाँ मंदिर है और मंदिर से बिल्कुल पास है ये यहाँ पे, तो काफ़ी सही है, वहाँ पे एक तालाब जैसा है। तो इट्स ए गुड प्लेस टू विजिट फॉर अ वीकेंड, और पिकनिक वगैरह आप मना सकते हो, लेकिन यार मेक श्योर आप नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। तो बस और कुछ यहाँ पे है नहीं वैसे देखने के लिए। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये था सिकड़ी हिल्स और बिश्वेश्वर टेम्पल, जो कि यार एक वीकेंड गेटवे के लिए बहुत सही जगह है, आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप उड़ीसा से कहीं भी बिलोंग करते हो, आप आराम से बालेश्वर विजिट कर सकते हो, और अगर आप बालेश्वर आते हो तो यहाँ पे ज़रूर आओ। तो एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। तो बस ये वाले वीडियो के लिए इतना ही। हाँ उससे पहले और एक चीज़, थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर गाइज। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार अभी मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो। ये वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग गाइज, एंड ऑलवेज डू वेयर ए हेलमेट, और यार सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो। चलो दिस इज देवाशीष शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.